बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक जो है वो है इंट्रोडक्शन एंड नॉमेनक्लेचर ऑफ एल्कीन्स। ओके, एल्कीन्स, व्हाट आर एल्कीन्स? एल्कीन्स आर द अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स व्हिच कंटेन्स अ कार्बन-कार्बन डबल बॉन्ड। सबसे पहले हम देखते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कौन से होते हैं। इससे पहले जो था वो उन्हें सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की हमने बात की थी कि इसमें सारे के सारे सिंगल बॉन्ड होंगे और उसमें मज़ीद जो है वो एडिशन रिएक्शंस की गुंजाइश नहीं होती, इसमें बॉन्ड ऐड नहीं हो सकता। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स आर हाइड्रोकार्बन्स दैट हैव डबल और ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन एडजेसेंट कार्बन एटम्स। इसमें हमारे पास जो अनसैचुरेटेड है उसमें डबल बॉन्ड हो सकता है या ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है। तो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में हमें पता है कि एडिशन जो है वो पॉसिबल होती है, जस्ट लाइक एडिशन ऑफ हाइड्रोजन जो है। तो इस तरह ये जो है वो अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स होते हैं, डबल बॉन्ड वाले और ट्रिपल बॉन्ड वाले। दे कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय जनरल फार्मूला CnH2n। इसका जो जनरल फार्मूला है ये हमारे पास CnH2n है। दे आर आल्सो नोन एज ओलिफिन्स। इनको हम ओलिफिन्स भी कहते हैं और ओलिफिन्स हम इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जो ओलिफिन्स हैं ये ड्राइव किया गया है वर्ड फ्रॉम ओलियम मीन ऑयल एंड फीकेयर मीन टू मेक, बिकॉज द लोअर मॉलिक्यूलर वेट गैसियस एल्कीन्स फॉर्म डेरिवेटिव्स विच आर ऑयली इन अपेयरेंस। हमारे पास जो एल्कीन्स हैं इनको हम ओलिफिन्स क्यों कहते हैं? हम इसको इनको इसलिए ओलिफिन्स कहते हैं कि जो हमारे पास लोअर मॉलिक्यूलर वेट एल्कीन्स हैं वो गैसियस एल्कीन्स की उन डेरिवेटिव फॉर्मेशन होती है उनसे, यानी जो लो मॉलिक्यूलर हमारे पास एल्कीन्स हैं ये इन द फॉर्म ऑफ गैस होते हैं और इन द फॉर्म ऑफ गैसेस एल्कीन्स जो हैं ये इनके जो डेरिवेटिव होते हैं या जो इनसे हम कंपाउंड्स बनाते हैं वो उनकी जो अपीयरेंस होती है वो ऑयली होती है, इसलिए हम इनको ओलिफिन्स कहते हैं। द कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड इज आल्सो नोन एज ओलिफिनिक बॉन्ड। ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड जो होता है हमारे पास एल्कीन्स में उनको हम उसको ओलिफिनिक बॉन्ड भी कहते हैं। कंपाउंड्स विद टू कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड नोन एज एल्काडाइन्स विद जनरल फार्मूला CnH2n-2। अगर आपके कंपाउंड में दो डबल बॉन्ड्स हैं तो उसका जो हमारे पास जो उसको हम जनरली हम एल्काडाइन कहते हैं। डाई मीन टू, ई मीन टू डबल बॉन्ड एल्काडाइन्स, और इनका जो जनरल फार्मूला होगा जिसमें दो डबल बॉन्ड है वो CnH2n-2 होगा। कंपाउंड विद थ्री डबल बॉन्ड नोन एज एल्काट्राइन्स एंड विद द जनरल फार्मूला CnH2n-4 होगा एंड सो ऑन। तो हमारे पास जो फोर इसी तरह हमारे पास जो फोर डबल बॉन्ड्स वाला कंपाउंड होगा उसको हम एल्का टेट्राइन जो है वो कहेंगे। ओके, इसके बाद जो हमारे पास लोकेशन है इसको हम जो है वो इंडिकेट करते हैं बाय अप्रोप्रिएट नंबर एज एक्सप्लेन्ड इन नोमेनक्लेचर। कि हमारे पास जो डबल बॉन्ड आ रहा है एल्कीन में वो ज़ाहिर है अगर उसकी लॉन्ग चेन है तो उसकी जो डबल बॉन्ड की पोजीशन है उसको भी हमने मेंशन करना होता है। तो उसको मेंशन करने के लिए हम जो है वो उसको एक नंबर देते हैं, वो नंबर जो है वो अकॉर्डिंग टू नोमेनक्लेचर होगा, उसमें जाके उसकी एक्सप्लेनेशन आएगी। डबल बॉन्ड्स आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू रिलेटिव पोजीशन इन मॉलिक्यूल्स। हमारे पास जो एल्कीन्स हैं इनमें जो डबल बॉन्ड्स होते हैं इनको हम डबल बॉन्ड को इनकी पोजीशन के हिसाब से तीन जो है वो इनकी क्लासिफिकेशंस करते हैं। अब हमने इसकी क्लासिफिकेशन क्यों की हुई है? बिकॉज द रिलेटिव पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड इन्फ्लुएंस द प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड। कि अगर डबल बॉन्ड की पोजीशन चेंज हो जाती है तो वो जो हमारा कंपाउंड है उसकी जो केमिकल और उसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं
वो उनको इन्फ्लुएंस करती हैं। फॉर एग्जांपल एक कंपाउंड है उसमें दो डबल बॉन्ड है, अब दो डबल बॉन्ड जो है उनकी थ्री जो है वो डिफरेंट जो टाइप्स हमारे पास हैं वो हो सकती हैं, और अगर वो थ्री डिफरेंट टाइप्स में हम टाइप चेंज करते हैं तो उसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज भी जो है वो चेंज हो जाती हैं। फर्स्ट टाइप जो है ये हमारे पास कम्युलेटेड डबल बॉन्ड है। कम्युलेटेड डबल बॉन्ड जो है इस ये बॉन्ड जो है इसमें जो डबल बॉन्ड होंगे वो एडजस्टेंट होंगे, जैसे ये आप देखें कि सी डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड यानी इन में जो डबल बॉन्ड हैं दोनों वो एडजस्टेंट हैं, और इसमें एक कार्बन ये जो कार्बन है ये कॉमन होगी, ठीक है, इनको हम कम्युलेटेड डबल बॉन्ड कम्युलेटेड डबल बॉन्ड कहते हैं। इस तरह अगर दो बॉन्ड जो है वो एडजस्टेंट आ जाए और उनमें एक ही कार्बन जो है वो कॉमन हो। ओके, जो कम्युलेटेड डबल बॉन्ड्स हैं इनको हम एलीन्स कहते हैं, यानी कंपाउंड्स जिनमें कम्युलेटेड डबल बॉन्ड होंगे। जैसे अभी हमने देखा कि जो एडजस्टेंट डबल बॉन्ड आ रहा है इन कंपाउंड्स को हम एलीन्स कहते हैं। एलीन्स आर हाईली रिएक्टिव एंड डिफ़िकल्ट टू प्रिपेयर। एलीन्स जो है जो वो ये हाईली रिएक्टिव कंपाउंड्स में आती है, और इसलिए जो भी कंपाउंड हाईली रिएक्टिव होते हैं उनकी प्रिपरेशन जो है वो डिफ़िकल्ट होती है, और अगर उनकी प्रिपरेशन डिफ़िकल्ट होगी तो डेफिनेटली उनकी जो आगे आप कह लें कि कुछ ही कंपाउंड जो हैं वो नाउन होंगे। जैसे दिस इज़ वाई ओनली फ्यू एलीन्स आर नाउन, कि सिर्फ हमारे पास कुछ एलीन्स हैं जो नाउन है या जो प्रिपेयर की जाती हैं। नेक्स्ट जो टाइप है डबल बॉन्ड की उसको हम कंजुगेटेड डबल बॉन्ड कहते हैं। इफ टू डबल बॉन्ड्स आर सेपरेट बाय अ सिंगल बॉन्ड, फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखें कि जो दो डबल बॉन्ड है उसके दरमियान में एक सिंगल बॉन्ड आएगा, यानी सेपरेटेड बाय अ सिंगल बॉन्ड। ये नहीं कहा कि एटलीस्ट सिंगल बॉन्ड, यानी यहाँ पे सिर्फ एक ही सिंगल बॉन्ड होगा बिटवीन द टू डबल बॉन्ड्स, एक से ज़्यादा नहीं हो सकता। जैसे ये है, ये सी डबल बॉन्ड, सी इधर है, एक सिंगल बॉन्ड है उसके साथ ये डबल बॉन्ड है, तो इस तरह अगर ये जो है वो आ रहे हों तो इनको हम कंजुगेटेड डबल बॉन्ड कहते हैं। कंजुगेटेड जो डबल बॉन्ड हैं ये भी अफेक्ट करते हैं फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द कंपाउंड्स को। ओके, थर्ड टाइप जो डबल बॉन्ड की है ये आइसोलेटेड डबल बॉन्ड है। इफ़ टू डबल बॉन्ड्स आर सेपरेटेड बाय टू और मोर सिंगल बॉन्ड्स, फॉर एग्जांपल इसमें अब ये है कि हमारे पास जो दो डबल बॉन्ड हैं चेन में उनके दरमियान में एटलीस्ट दो सिंगल बॉन्ड, और दो हो सकते, दो से ज़्यादा, तीन हो सकते हैं, चार हो सकते हैं, पाँच हो सकते हैं, लेकिन दो से कम नहीं हो सकते, क्योंकि अगर एक होगा तो फिर वो कंजुगेटेड डबल बॉन्ड होगा। इसलिए अगर दो सिंगल बॉन्ड आ रहे हैं इन बिटवीन टू डबल बॉन्ड्स तो इसको हम आइसोलेटेड डबल बॉन्ड कहेंगे, और आइसोलेटेड डबल बॉन्ड जो है ये इंडिपेंडेंटली एक्ट करता है, यानी इस डबल बॉन्ड पर, इस डबल बॉन्ड के ऊपर अफेक्ट जो है वो नहीं होता। जबकि एलीन्स में जो हमने कम्युलेटेड और कंजुगेटेड में देखा वहाँ पर ये ऐसा नहीं है, वहाँ पर ये बॉन्ड्स एक दूसरे को अफेक्ट करते हैं। ओके जी, नेक्स्ट जो है ये नॉमेनक्लेचर ऑफ एल्कीन है। नॉमेनक्लेचर ऑफ एल्कीन जो है इसमें हमने देखा था जैसे पहले भी कि जो एल्कीन की हमने नेमिंग की उसमें हमारे पास ट्रिबल सिस्टम था और दूसरा जो था वो IUPAC सिस्टम था। ट्रिबल सिस्टम जो है ये एक्चुअली कॉमन नेमिंग होगी, जहाँ पहले भी हमने इसका जिक्र किया था कि ये हम इस नेम को हम या तो कहीं किसी और नेम से डराइव करते हैं, या फिर हम जिस प्लेस से वो कंपाउंड निकला हुआ है उस प्लेस पे, या जिस साइंटिस्ट ने वो अपना, जैसे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की हमने बात की, मार्श गैस की जो बात की, तो हमारे पास जो एल्कीन में ट्रिबल सिस्टम होगा इसमें हम जो है वो मोस्टली क्या करेंगे, आप कह सकते हैं कि एल्केन्स में से जो है वो हम इनके नेम जो है वो आइसोलेट करेंगे, और इसके लिए जो है हम उसके ANE को जो है YLENE से जो है वो रिप्लेस करेंगे। इन दिस सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर एन एल्केन इज नेम्ड बाय रिप्लेसिंग द एंडिंग ANE ऑफ द नेम ऑफ एल्केन हैविंग द सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स बाय YLENE। फॉर एग्जांपल हमारे पास इथाइलीन है, इट्स डिराइव्ड फ्रॉम इथेन, propylene and this is derived from propane, and isobutylene derived from isobutane,
These are the structures of ethylene, propylene, and isobutylene. All of the higher alkanes are sometimes collectively referred to as butylenes, pentylenes, hexylenes, heptylenes, and so on. जो हायर एल्किन्स हैं उनको हम जो है वो ब्यूटाइलिन्स कह सकते हैं, पेंटाइलिन्स, हेक्साइलिन्स, जिनमें जो है वो हमारे पास जा रहा है सिक्स कार्बन के होंगे. इसको हम इस तरह क्यों कह रहे हैं, एक तरह हेप्टाइलिन्स, हेप्टाइलिन्स का मतलब ये है कि हेप्टाइलिन एक नहीं होगा, उसमें हेप्टाइलिन के डिफरेंट हमारे पास पॉसिबिलिटीज होंगी, डिफरेंट आइसोमर जो हैं वो उनकी फॉर्मेशन जो है वो हो सकती है. So, the use of trivial names, which are also called common names, becomes difficult for individual alkenes having four or more carbon atoms because of the large number of isomers possible. जैसे मैंने अभी आपको बताया कि हमारे पास जब हम लार्ज में चले जाएंगे, जैसे ब्यूटाइलिन है या पेंटाइलिन है, जब कार्बन नंबर फोर या फोर से ज़्यादा होगी तो उसके लिए हमारे पास कॉमन नेमिंग जो है वो डिफ़िकल्ट हो जाएगी. डिफ़िकल्ट क्यों होगी, क्योंकि वहाँ पे हमारे पास नंबर ऑफ आइसोमर जो हैं वो पॉसिबल हैं एक एक कंपाउंड के. तो हम अगर किसी को ब्यूटाइलिन कहते हैं तो उसमें अगर उसके बाकी जो आइसोमर्स हैं उनको हम क्या नाम देंगे. इसी तरह आपको पता है कि यहाँ पर हमारे पास ज्योमेट्रिकल आइसोमर जो हैं उनकी पॉसिबिलिटी भी जो है वो होती है डबल बॉन्ड में, सिस ट्रांस आइसोमर जैसे हैं. तो इन आइसोमर्स की वजह से हम जो है वो ट्रिवियल नेम या उनके जो कॉमन नेम है वो इतनी आसान वो जो है वो पॉसिबल नहीं है उनको यूज़ करने. सो द कॉमन नेम्स आर यूज ओनली फॉर द थ्री एल्केन जो हमने अभी ऊपर देखी थी, और जो फ्यू सिंपल एल्केन है कैन बी नेम एज डेरिवेटिव ऑफ इथाइलिन. इथाइलिन जो है ये हमारे पास सी डबल बॉन्ड सी यानी सी एच टू सी डबल बॉन्ड सी एच टू होता है. तो कुछ ऐसे कंपाउंड हैं जिनको हम कॉमन नेम देते हैं विद इथाइलिन, जैसे ये देखें ये सी एच डबल बॉन्ड सी एच टू है. तो जो इथाइलिन है वो क्या है, सी एच टू डबल बॉन्ड सी एच टू. इथाइलिन का एक हाइड्रोजन जो है उसको रिप्लेस करें अगर CH3 के साथ तो ये हमारे पास मिथाइल इथाइलिन बनेगा. इसी तरह जो है वो हमारे पास अगर इथाइलिन के दो हाइड्रोजन यानी एक इस कार्बन से और एक इस कार्बन से, दोनों से जो है वो अगर हम रिप्लेस करते हैं एक एक हाइड्रोजन और CH3 वहाँ पे लगाते हैं तो ये हमारे पास डाईमिथाइल इथाइलिन होगा. और ये SYM मींस के सिमेट्रिकल सिमेट्रिकल डाईमिथाइल डाईमिथाइल इथाइलिन होगा. सिमेट्रिकल इसलिए कि दोनों तरफ हमने एक एक CH3 जो है वो लगाया हुआ है. अनसिमेट्रिकल डाईमिथाइल इथाइलिन भी पॉसिबल है. उसमें क्या होगा कि एक जो हमारे पास CH2 है उसकी हाइड्रोजन ऐसा रहेंगी लेकिन दूसरा जो CH2 है उसकी दोनों यानी हाइड्रोजन जो हैं वो रिप्लेस कर दें अगर हम CH3 के साथ, तो ये हमारे पास अनसिमेट्रिकल होगा क्योंकि एक कार्बन के ऊपर दो CH3 ऐड हुए हैं. सिमेट्रिकल में जो था वो दोनों कार्बन के ऊपर एक एक CH3 जो है वो ऐड हुआ था. तो ये सिमेट्रिकल इथाइलिन और अनसिमेट्रिकल इथाइलिन जो है इनमें ये फ़र्क होता है. उसके अलावा जो हमारे पास कुछ स्पेशल नेम्स हैं जो हम कंपाउंड्स को देते हैं, फॉर एग्जांपल स्टाइरीन जो है ये इथाइलिन का ही डेरिवेटिव है. ये देखें इथाइलिन है, इसमें हम एक हाइड्रोजन को हमने किससे रिप्लेस किया हुआ है, C6H5 बेंजीन रिंग से. तो ये इसको हम जो है वो इथाइलिन की बजाय जो है वो इसको हम स्पेशल नेम जो है उसको देते हैं स्टाइरीन. इसी तरह ये जो है स्टिलबीन जो है ये इसमें भी देखें तो इथाइलिन की एक एक हाइड्रोजन को हम अगर दोनों तरफ ये सिमेट्रिकली अगर हम रिप्लेस करते हैं विद C6H5 तो इसको हम स्टिलबीन जो है वो इसका स्पेशल नेम कॉमन नेम हम इसको देते हैं. ओके जी, नेक्स्ट हमारे पास IUPAC सिस्टम है. द IUPAC सिस्टम ऑफ नेमिंग द एल्कीन्स इज मोस्ट वर्सटाइल एंड कैन बी एक्सटेंडेड टू सब्सटेंसेस हैविंग मोर देन वन डबल बॉन्ड.
According to this system, the alkenes in general are named by placing the ending ane of the name of the corresponding alkane by ene. For example, ethene, propene, butene, pentene, hexene, and so on. Whereas ethene and propene can have only one structure each, leaving no ambiguity in their names. Higher alkenes can exist in isomeric form with differ in location of the double bond. ओके आईयूपीएसी सिस्टम में हमारे पास जो है वो पॉसिबिलिटी होगी कि हम हायर एल्केन्स जो हैं जिनके नंबर ऑफ कार्बन ज़्यादा हैं उनके भी हम नेम दे सकते हैं और जो इनके काम है उनके भी दे सकते हैं. यहाँ पे हम सिंपली ए एन ई को जो है वो रिप्लेस करेंगे विद ई एन ई, यानी एल्केन के ए एन ई को विद ई एन ई जो है वो रिप्लेस करेंगे फॉर द पेरेंट चेन जो हम वहाँ पे सिलेक्ट करते थे. तो आईयूपीएसी में कुछ ऐसे भी हैं, जैसे वहाँ पे हमने बात की थी कि फर्स्ट जो थ्री हैं उनमें जो है वो उनके लिए कोई हमारे पास नहीं है, उनके नेम्स जो हैं वो क्योंकि उसके आइसोमर्स नहीं हैं तो उनमें जो है वो फिक्स उनके जो है वो नेम होंगे, उसके लिए हमारे पास डिफरेंट पॉसिबिलिटीज नहीं है. लेकिन जो हायर हैं उनके आइसोमर्स हैं, आइसोमर्स होने की वजह से फिर जो है वो हम उनको डिफरेंट बेस के साथ उनकी नेमिंग करेंगे और आईयूपीएसी नेमिंग में हर आइसोमर जो है उसका नेम अलग होगा. दीज रूल्स फॉर नेमिंग एल्कीन्स आर सिमिलर इन मैनी रिस्पेक्ट टू द यूज ऑफ एल्कीन. जो हमने रूल्स एल्कीन्स में किए थे ये ऑलमोस्ट उनसे मिलते जुलते ही होंगे. सो द रूल नंबर वन इज द लॉन्गेस्ट कॉन्टीन्यूस चेन कंटेनिंग द कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड इज सिलेक्टेड as a parent chain which is then named by replacing the ending ane of the name of the corresponding alkene by ene, and this will be the parent name of the alkene. For example, ye hamare paas hai hexene. Humne sabse pehle jo hai wo parent chain select karni hoti hai aur parent chain jo hai yahan pe humne wo select karni hai jiske andar carbon double bond aaye. Yahan pe do possibilities hain. Number 1 ki aap kis parent chain ko select karte hain, और ये जो हमने रूल अल्केन में पढ़ा था हमने वहाँ से ये बात की थी कि आपने लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है. यहाँ लॉन्गेस्ट चेन जो है वो सेलेक्ट करनी है जिसमें डबल बॉन्ड आ रहा हो. ठीक है, तो हमारे पास जो पॉसिबिलिटी बन रही है वो एक तो ये है, और इसमें क्या है मसला, इसमें ये है प्रॉब्लम कि यहाँ पर डबल बॉन्ड नहीं आ रहा. ठीक है, अब उसके बाद हमारे पास एक तो ये पॉसिबिलिटी है और एक ये पॉसिबिलिटी है, और इन दोनों को अगर आप देखें तो ये सेम ही है. जैसे अगर आप इस तरफ इस चेन को देखें तो ये टोटल सिक्स कार्बन चेन है, सिक्स कार्बन चेन. सो हम वो चेन जो है वो सिक्स कार्बन चेन वो सिलेक्ट कर सकते हैं. अगर हम ये करते हैं तो इसमें भी यही डेरिवेटिव आ रहा है, अगर हम ये करते हैं तो इसमें भी यही, सॉरी डेरिवेटिव कह रहा हूँ, इस वही सब्स्टिट्यूएंट जो है वो आएगा, तो इसलिए इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता. लेकिन हमने जो इस चीज़ का ध्यान रखना है वो ये है कि हमारे पास जो चेन हम सेलेक्ट कर रहे हैं वो इंक्लूडिंग दी डबल बॉन्ड हो, उसमें डबल बॉन्ड आ रहा हो. अब ये देखेंगे जैसे हम इस चेन की हम बात कर रहे थे तो इसमें भी हम कह सकते हैं कि इस कार्बन के ऊपर डबल बॉन्ड ऐसा नहीं है. कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड जो है ये पार्ट ऑफ योर चेन होना चाहिए, उस चेन के अंदर आना चाहिए. ओके, द सेकंड रूल इज द कार्बन एटम ऑफ द पेरेंट चेन आर नंबर्स कंसेक्यूटिवली स्टार्टिंग फ्रॉम द एंड नियर टू द डबल बॉन्ड इरिस्पेक्टिव ऑफ द नंबर्स दस असाइन टू द सब्स्टिट्यूएंट. फॉर एग्जांपल इसमें जो हमने लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट की वो सेलेक्ट की जिसमें डबल बॉन्ड आ रहा था. सेकंड रूल जो है कि हमने इसकी नंबरिंग करनी होती है. इसमें नंबरिंग हमने कहाँ से करनी होती है, जहाँ से डबल बॉन्ड जो है वो लोएस्ट पॉसिबल नंबर के ऊपर आ रहा हो. इसमें हमने ये नहीं देखना कि सब्स्टिट्यूएंट कहाँ पर आ रहा है. मसलन अगर हम सब्स्टिट्यूएंट के हिसाब से इस कंपाउंड की नंबरिंग करते हैं तो यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट होगी 1, 2, क्योंकि 2 पे सब्स्टिट्यूएंट है. वहाँ यहाँ से अगर हम देखें तो सब्स्टिट्यूएंट नंबर 5 पे आ रहा है,
तो यहाँ हमारा फोकस जो है वो सब्सिडियरी में नहीं है, इस डबल बॉन्ड पे है। तो हम नंबरिंग जो है वो इस साइड से स्टार्ट करेंगे, 1 2, यहाँ कार्बन नंबर 2 पे डबल बॉन्ड आ रहा है, और अगर आप इधर से करते हैं 1 2 3, कार्बन नंबर 4 पे डबल बॉन्ड आ रहा है। तो ये नंबरिंग हमने जो है वो इस साइड से करनी है, जिस पे लोएस्ट नंबर के ऊपर जो है वो डबल बॉन्ड आए। रूल नंबर 3 जो है, द नंबर असाइन टू द डबल बॉन्ड कार्बन एटम एंड कार्बन फर्स्ट इज प्लेस्ड बिफोर द पेयर्ड नेम ऑफ द एल्केन, इट इज देन प्रीफिक्स्ड बाय द सब्स्टिट्यूएंट विद देयर रिस्पेक्टिव नंबर्स स्पेसिफाइंग देयर पोजीशंस फॉलोइंग द सेम रूल्स एज वर यूज्ड फॉर एल्केन। हमारे पास जो है नंबरिंग के बाद हमने जो पहले भी हमने ये रूल्स किए थे उसमें हमने जब वो सब्स्टिट्यूएंट क्यों होते थे वहाँ पे, यहाँ पे डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड की पोजीशन को भी हमने जो है वो मेंशन करना होता है नेम में। अब जैसे ये देखें, ये हमारे पास ये कंपाउंड है, फर्स्ट ऑफ ऑल जो है वो हमने इसकी चेन सेलेक्ट करनी है। चेन जो है अगर हम ये देखें तो ये इसकी वो चेन है जिसमें डबल बॉन्ड भी आ रहा है और ये लॉन्गेस्ट भी है, लॉन्गेस्ट डबल बॉन्ड चेन है। और इस चेन में जो टोटल हैं ये 1 2 3 4 चार हैं इसमें, तो ये ब्यूटीन होगी, ब्यूटीन इसका जो पेरेंट नेम होगा। उसके बाद हमने देखना है कि सब्स्टिट्यूएंट जो है तो ये जो है ये इसमें हम नंबरिंग जो है वो यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ये 1 होगा 2 3, 3 के ऊपर जो है ये मिथाइल आ रहा है। अब इसमें जो है रूल ये है कि आपने जब इसका नाम लिखना है तो जो आपने पेरेंट नेम लिखा, जैसे इसका ब्यूटीन है, पेरेंट नेम के पहले, पेरेंट नेम से पहले आपने वो नंबर लगाना है जिसके ऊपर डबल बॉन्ड है। अब डबल बॉन्ड का क्या है कि हमारे पास दो यहाँ पे हैं, जैसे हमने कहा कि ये कार्बन नंबर 1 है, ये कार्बन नंबर 2 है, तो दोनों ही डबल बॉन्ड उनमें है, तो हमने जो है वो लो नंबर जो है वो जो फर्स्ट एनकाउंटर्ड है यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो जो फर्स्ट नंबर आएगा वो हमने लगाना है। अगर हम यहाँ से करते हैं 1, तो ये कार्बन नंबर 1 के ऊपर ही हम इसको कहते हैं कि डबल बॉन्ड है, ये नहीं कहेंगे कि कार्बन नंबर 2 पे डबल बॉन्ड है। 2 पे अगर हम कहेंगे डबल बॉन्ड तो उसका मतलब ये होगा कि यहाँ पे डबल बॉन्ड है, तो ये सो ये कार्बन नंबर 1 पे ही डबल बॉन्ड है, तो हम उसके पेरेंट नेम से पहले जो है ये नंबर लगाएंगे 1, सो ये 1 ब्यूटीन जो है वो होगा। उसके बाद सिंपली वही जो रूल्स हमने पहले थे कि जैसे सब्स्टिट्यूएंट का नंबर दे के डैश लगा के उसका जो है वो लिखेंगे और फिर आगे जो है वो पेरेंट नेम आएगा, तो ये 3-methyl-1-butene होगा। ये एग्जांपल देखें, इसमें जो है नंबर जो चेन है हमारे पास ये चेन आ रही है जिसमें कार्बन डबल बॉन्ड आ रहा है, और इसमें टोटल जो है ये 6 कार्बन है, सो ये हेक्सीन होगी। अब देखें 1 और 2, 2 पे डबल बॉन्ड है तो ये 2-hexene होगी। 2-hexene मीन के कार्बन जो चेन हमने सेलेक्ट की है जिसको हम हेक्सीन कह रहे हैं, कार्बन नंबर 2 के ऊपर जो है वो डबल बॉन्ड है, तो ये बिटवीन 2 एंड 3 होगा, लेकिन हम 2 उसको जो है लिखते हैं। अब बाकी जो है हमने सब्स्टिट्यूशन देखनी है, ये कार्बन नंबर 2 पे ही एक मिथाइल है और 3 4 और 5 के ऊपर एक मिथाइल है, तो ये हमारे पास 2,5-dimethyl-2-hexene जो है वो इसका नेम होगा। ये रूल नंबर 4 जो है फॉर साइक्लोएल्कीन्स के लिए, कि साइक्लोएल्कीन्स जो है इसकी हम नंबरिंग किसी भी जो है वो कार्बन से स्टार्ट करेंगे, लेकिन वो कार्बन जिसके ऊपर डबल बॉन्ड है। मसलन ये देखें, ये साइक्लोहेक्सीन है, तो ये हमारे पास जो दो कार्बन्स हैं जिनके ऊपर ये डबल बॉन्ड है वहाँ से हम इसकी नंबरिंग जो है वो स्टार्ट करेंगे। तो पहले जो है हम देखते हैं कि सिंपली अगर सब्स्टिट्यूशन नहीं है, जैसे ये है साइक्लोहेक्सीन, इसके ऊपर एक ही डबल बॉन्ड है, तो इसकी इसके लिए हमें पोजीशन मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें देखें कि कार्बन नंबर 1 ये कार्बन नंबर 2 हो सकती है, आप इसको कार्बन नंबर 1 या इसको कार्बन नंबर 2 कह दें, आप इसको 1,2 साइक्लोहेक्सीन जो है वो कह सकते हैं, लेकिन जो है वो साइक्लोहेक्सीन जो है ये सिंपली अगर आप लिखते हैं तो इसका मतलब यही है कि इसमें एक डबल बॉन्ड है। अब ये डबल बॉन्ड चाहे इस कार्बन पे हो, चाहे इधर हो, चाहे इधर हो, जहाँ भी हो, ये सारे एक जैसे ही बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है। किसी के साथ भी अगर ये सारी कार्बन सेम है, जिसके साथ भी डबल बॉन्ड होगा, तो उसकी साइक्लोहेक्सीन का नाम जो है वो ऐसे ही रहेगा, इसके लिए हमें नंबरिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती।
लेकिन अगर दो डबल बॉन्ड आ गए हैं, जैसे यहाँ पे देखते हैं कि वन और टू ये दो डबल बॉन्ड हैं, तो ये साइक्लोहेक्साडाइन है। जब डाइन की बात आएगी तो फिर हमने इसको मेंशन करना होता है डबल बॉन्ड को। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह देखें, यहाँ पे जो 1 3 जो है, ये हम इसको अगर कार्बन नंबर 1 कहते हैं, 2 3 4 अगर हम नंबरिंग करते हैं, तो नंबरिंग हम जो है किस तरफ जाएंगे? उस तरफ जाएंगे जहाँ पे नेक्स्ट डबल बॉन्ड जो है वो करीब हो। जैसे अगर हम यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करते हैं, ये कार्बन नंबर 1 2 3, यानी 1 पे डबल बॉन्ड है, उसके बाद 3 पे डबल बॉन्ड है। और अगर आप इस तरफ से आते हैं, यानी हम इसको कार्बन नंबर 1 कह के फिर जो है 2 3 और ये आते हैं, तो ये फिर 4 के ऊपर जो है वो डबल बॉन्ड आएगा। और वैसे भी अगर आप इस तरफ आते हैं, तो ये डबल बॉन्ड आपने इसके इंक्लूड नहीं किया। तो ये हमारे पास जो है कार्बन नंबर, सॉरी, इसकी नंबरिंग तो फिर हम दोनों तरफ से कर सकते हैं, लेकिन हम करेंगे कहाँ? जो रूल है वो ये है कि जिस तरफ से नेक्स्ट डबल बॉन्ड जो है वो नियर हो, तो इसलिए हम इस तरफ इसकी नंबरिंग करेंगे और ये 1 3 साइक्लोहेक्साडाइन होगा। इसके बाद अगर आप ये देखें, तो ये कार्बन नंबर 1 है, ये 2 और ये 3 है, ये 4 5 और 6। इसमें आप देखें, हमने अगर इसको यहाँ से स्टार्ट करना है कार्बन नंबर 1, तो ये हमारे पास जो डबल बॉन्ड आ रहा है 2 और 3 पे, इस हिसाब से तो ये भी 1 3 है, लेकिन ऐसा नहीं होगा। इसमें हमने डबल बॉन्ड इंक्लूड करके चलना है, यानी 1 2 ये ही होगा, कार्बन नंबर 1 2 ये है, 3 4। इसी तरह अगर आप इसको कार्बन नंबर 1 कहते हैं, 2 3 4 दोनों तरह से ये 1 4 साइक्लोहेक्साडाइन ही बनता है। अब हमने इसकी पोजीशन जो है वो सिंगल एक ही डबल बॉन्ड था, हमने मेंशन नहीं की, लेकिन दो अगर डबल बॉन्ड आते हैं तो हम उसकी पोजीशन मेंशन करते हैं, और 3 अगर हो तो फिर वो बेंजीन होता है, वो साइक्लोहेक्जीन नहीं होता। अब ये देखें, ये जो डबल बॉन्ड है, ये जो भी हमने टाइप्स पढ़ी थी, ये कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड है, ठीक है। अगर हमारे पास कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड है, उसकी प्रॉपर्टीज और होंगी जैसे हमने पहले पढ़ा, तो ये इसलिए हम जब 1 3 लगा देंगे, तो उस पोजीशन से हमें ये पता चलेगा कि ये कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड है। और इसमें आप 1 4 जब आप पोजीशन उसकी लगा देते हैं, तो ये आइसोलेटेड डबल बॉन्ड है। इसमें ये देखें, दो सिंगल बॉन्ड आ रहे हैं, यहाँ भी दो सिंगल बॉन्ड आ रहे हैं, तो ये जो है वो इस तरह इसकी प्रॉपर्टीज़ क्योंकि चेंज होती हैं, इसलिए हमने यहाँ पर नंबर जो है वो मैंशन करना ज़रूरी होता है। उसके बाद अगर हम देखते हैं कि हमारे पास अगर एक ही बॉन्ड है और उसमें सब्स्टिट्यूशन आ रही है, तो उसको हम कैसे नेम करेंगे? नंबरिंग जो है हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे? ये देखिए, ये कार्बन नंबर 1 कार्बन नंबर 2 इस स्ट्रक्चर में, यहाँ से इसको हम अगर 1 करते हैं, तो फिर हमको हमें इसको ही 2 करना पड़ेगा। जो डबल बॉन्ड है वो आप इंक्लूड करेंगे उसमें, यानी 1 2, ये 1 2 के दरमियान डबल बॉन्ड है। अगर आपने इसको 1 करना है, तो ये तो 2 आप कर नहीं सकते। इसको अगर आपने 1 करना है, ये 2 है, और अगर आपने इसको 1 करना है जहाँ पे 2 लिखा हुआ है, तो फिर ये 1 वाली कार्बन जो है, ये कार्बन नंबर 2 होगी। इस तरह इसकी नंबरिंग हम चेक करेंगे। अब देखें, अगर हम इसको 1 कहते हैं, तो ये 2 और ये 3, 3 के ऊपर सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है, ओके। अगर हम इसको 1 कहते हैं, तो ये 2 ये 3 और ये 4 के ऊपर सब्स्टिट्यूएंट आएगा। तो नंबरिंग जो है हमने इस तरह करनी है कि जो नेक्स्ट डबल बॉन्ड के बाद जो नेक्स्ट सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है वो नियर हो। 1 2 3 पे आ रहा है, उसके बाद 4 और 5 पे आ रहा है, तो इसका जो नेम होगा ये 5 इथाइल 3 मिथाइल साइक्लोहेक्सीन होगा। जो हम सब्स्टिट्यूएंट लिखेंगे वो वैसे ही हम लिखेंगे जैसे हमने पहले केन में कहा था, अल्फ़ाबेटिकली इथाइल पहले आएगा, मिथाइल बाद में आएगा। तो ये 5 इथाइल 3 मिथाइल साइक्लोहेक्सीन है, नॉट 4 इथाइल 6 मिथाइल साइक्लोहेक्सीन। क्योंकि अगर आप यहाँ से करते हैं 1 2 3 4, ये 4 पे इथाइल आएगा, देन ये 6 पे जो है वो मिथाइल आएगा, तो ये इसका नाम जो है वो गलत है। 5 इथाइल 3 मिथाइल साइक्लोहेक्सीन इसका सही नाम नेम होगा। उसके बाद ये एग्जाम्पल है, इसमें ये देखें 1 2 ये कार्बन है। अब देखें, हमने 1 2 अगर हमने नियर सब्स्टिट्यूएंट ही देखना होता, तो ये 1 और उसके बाद 2 पे ये आ रहा था, हम इसको कह देते। ऐसा नहीं है, हमने डबल बॉन्ड के हिसाब से चलना है। 1 अगर आप इसको कह रहे हैं, तो ये 2 होगा, देन ये जो है वो 3 4 5 और 6 होगा।
अब हमने ये नंबरिंग क्यों की है? अब देखें, ये हमारे पास जो फर्स्ट सब्स्टिट्यूएंट है ये कार्बन नंबर 1 के ऊपर ही है। अगर हम इसको 1 कहते हैं तो ये जो सब्स्टिट्यूएंट है ये कार्बन नंबर 2 पे आएगा। यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन ये दो हैं कि आप इस कार्बन को 1 कहें, देन हम कह सकते हैं कि जी सब्स्टिट्यूएंट नियर जो है वो 2 पे आ रहा है, तो आप 1 और 2 इस तरह ये 3 इसको नंबरिंग कर लें। लेकिन अगर आप ये देखें कि फर्स्ट जो सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है ये कार्बन नंबर 1 पे ही आ रहा है, तो इसलिए हमने इसको 1 रखना है, ये वाली कार्बन को हम 1 नहीं रखेंगे। क्योंकि अगर आप इसको 1 रखते हैं तो सब्स्टिट्यूएंट 2 पे आता है, अगर आप इसको 1 रखते हैं तो सब्स्टिट्यूएंट 1 पे ही आता है। तो फर्स्ट सब्स्टिट्यूएंट जो हम इंक्लूड कर रहे हैं वो कार्बन नंबर 1 पे आ रहा है, लोएस्ट नंबर पे, तो नंबरिंग इसकी ये होगी। तो इस तरह ये जो है ये कार्बन नंबर 1 अगर ये है तो डेफिनेटली 2 जो है वो अलॉन्ग द डबल बॉन्ड हम आएंगे, तो ये होगी फिर 3, 4, 5 और 6 के ऊपर जो है वो इथाइल आएगा। तो ये 6-ethyl-1-methylcyclohexene होगा, नॉट 3-ethyl-2-methyl। क्योंकि अगर आप देखें इसको आप 1 करते हैं तो ये 2 पे मिथाइल आएगा और 3 पे इथाइल आएगा, जो कि इसका नेम सही नहीं है। तो बाय रूल हमने जो है वो इसको नंबरिंग अगर करते हैं तो फिर ये 1 जो है इसी के ऊपर आएगा जिसके ऊपर मिथाइल आ रहा है। नेक्स्ट रूल ये है, यूनिवेलेंट ग्रुप डिराइव्ड बाय रिमूविंग वन हाइड्रोजन एटम फ्रॉम एन एल्कीन इज नेम्ड बाय रिप्लेसिंग द एंडिंग ENE ऑफ द एल्कीन बाय ENYL। द नंबरिंग ऑफ सच ग्रुप इज स्टार्टेड फ्रॉम द कार्बन एटम विद फ्री वैलेंसी। जैसे हमने एल्कीन में देखा था कि हमारे पास जो उसका जो सब्स्टिट्यूशन आती है, जो उसके हमने कहा था कि भी एक अगर उसकी हाइड्रोजन कम हो जाती है तो एल्कीन का जो है वो अल्काइल होगा, जो सब्स्टिट्यूएंट होगा। इसी तरह अगर डबल बॉन्ड वाली कार्बन है हमारे पास एल्कीन जो है उसका अगर एक हाइड्रोजन हम कम कर देते हैं तो वो जो है वो ENE की जगह पर हम ENYL लगाएंगे। जैसे ये देखें, ये इथेन, इथेन प्रोपेन ब्यूटेन, यानी ये 4 कार्बन है तो ये ब्यूटीन है, ठीक है। तो ब्यूटीन को जो है वो हम ब्यूटीनाइल लिखेंगे, ब्यूटीनाइल। यहाँ पे हम क्योंकि ब्यूटीनाइल जो है या ब्यूटीन जो है, जब हम एल्कीन की बात करेंगे तो उसमें हमने डबल बॉन्ड की पोजीशन को मेंशन करना होता है ज़रूरी, तो हम इसको सिंपल ब्यूटीनाइल नहीं लिख सकते। क्योंकि अब देखें, अगर ये डबल बॉन्ड इस पे होता तब भी ये ब्यूटीनाइल ही होता, ये डबल बॉन्ड यहाँ पे कहीं होता तब भी ये ब्यूटीनाइल ही होता, ये डबल बॉन्ड यहाँ पे है तो ये ब्यूटीनाइल है, इसलिए हमने उसकी नंबर को बॉन्ड डबल बॉन्ड के मेंशन करना होता है। अब बात आई कि इसकी नंबरिंग हम कैसे करेंगे, तो नंबरिंग जो आया हमने उस कार्बन से करनी है जो फ्री वैलेंसी वाली कार्बन है, जैसे ये जिसके ऊपर ये डैश लगी हुई है, यानी CH2 जिसका एक जो एम्प्टी है अभी एक बॉन्ड उसका बनना है, ये CH2 है यहाँ पे बॉन्ड बनेगा, तो इसलिए हम जो है वो नंबरिंग इसी से हम स्टार्ट करते हैं। तो ये 1 और 2 और ये 3 पे डबल बॉन्ड है इसलिए ये 3 ब्यूटीनाइल होगा। इस तरह आप ये देखें, ये हमारे पास 4-methyl-2-pentanyl है, यानी हमने नंबरिंग जो है वो इसी से स्टार्ट करनी है जहाँ से ये 3 है लेंसीज की कार्बन की। ये 1, 2 पे आ गया डबल बॉन्ड, 3 और 4 पे जो है वो मिथाइल आ गया, तो ये 2-4-methyl-2-pentanyl होगा। However, there are few alkynyl groups for which common names are used preferentially in place of systematic names। कुछ हमारे पास जो है वो उनके हम कॉमन नेम यूज़ करते हैं, जैसे ये इथिनाइल है, इथिनाइल जो है ये CH2 का जो है वो डेरिवेटिव है, जो उसको कहते हैं इसमें एक हाइड्रोजन काम करते हैं, तो इसको हम विनाइल कहते हैं सिंपली। इसी तरह जो 1-propynyl है इसको आप कॉमन जो है वो प्रोपिनाइल भी कह सकते हैं, यानी प्रोपिनाइल में हमारे पास 1-propynyl, 2-propynyl दो पॉसिबिलिटी हैं, तो 1-propynyl जो है उसको हम प्रोपिनाइल कहते हैं एज ए कॉमन, और जो 2-propynyl है उसको हम अलाइल कहते हैं, ठीक है, 2-propynyl को अलाइल कहते हैं। इसी तरह जो हमारे पास 1-methyl-ethanyl है, 1-methyl-ethanyl उसको हम आइसो प्रोपिनाइल कहते हैं, और 2-butynyl जो है इसको हम क्रोटाइल कहते हैं।
ये इनके कॉमन नेम्स हैं जो हम यूज़ करते हैं। इसमें आप आपकी मर्ज़ी, आप कॉमन भी यूज़ कर सकते हैं, दूसरा भी यूज़ कर सकते हैं, सिस्टमेटिक भी। लेकिन इन कंपाउंड के मोस्टली, जैसे आपने विनाइल क्लोराइड या विनाइल के जो पॉलीमर हैं, उसमें हमने विनाइल ही सुना है। कभी हमने ये नहीं कहा कि ये इथाइनील एथेनाइल जो है वो एथेनाइल क्लोराइड है, ठीक है। तो वो क्योंकि उसका ज़्यादातर जो है वो हम कॉमन नेम यूज़ करते हैं, इसलिए इनके हम कॉमन नेम्स ही जो है वो लगाते हैं मोस्टली। इसके जो लास्ट इसमें रूल है, सिक्स, इफ द पेरेंट चेन कंटेन्स मोर देन वन डबल बॉन्ड, इट इज़ नेम्ड एज एल्काडाइन फॉर टू, ट्राइन फॉर थ्री, टेट्राइन फॉर फोर डबल बॉन्ड। फॉर एग्जांपल, ये हमारे पास जो है, इसको आप देखें तो इसमें हमने पहले जो है वो चेन सेलेक्ट करनी है। ये वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, एक पॉसिबिलिटी ये है। एक ये है कि आप यहाँ से नंबरिंग करें वन टू, यहाँ से जो डबल बॉन्ड है ये कार्बन नंबर वन पे आ रहा है, यहाँ से डबल बॉन्ड कार्बन नंबर टू पे आ रहा है, लिहाजा नंबरिंग जो है वो इस साइड से होगी, ठीक है। अब ये देखें, जो हमारे पास वन इस पे डबल बॉन्ड है, उसके बाद डबल बॉन्ड फाइव पे आ रहा है, तो ये हमारे पास जो है ये वन फाइव हेप्टा, यानी एल्का हमने कहा था ना, एल्का डाइन, तो एल्का की जगह हमने क्या लगाया, हेप्टा डाइन, मीन्स दो इसमें डबल बॉन्ड है। और वन फाइव क्या है, ये उसकी जो है वो हमने मेंशन की हुई है नंबरिंग के, कहाँ कहाँ पे डबल बॉन्ड है। एक ये एग्जांपल है हमारे पास, इसमें आप देखें जो नंबरिंग है, अगर हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं वन टू थ्री फोर फाइव और ये सिक्स, तो ये नंबरिंग जो है, इसमें आप देखें हमने डबल बॉन्ड जो है वो कहाँ कहाँ पे हमारे पास आ रहे हैं। कार्बन नंबर टू पे डबल बॉन्ड है, उसके बाद कार्बन नंबर फोर पे डबल बॉन्ड है, तो ये भी एल्का डाइईन है, लेकिन इसका अगर आप पेरेंट नेम देखें तो ये टू फोर हेक्सा डाइईन होगा, टू फोर हेक्सा डाइईन। अब बाकी रही बात सब्सिट्यूएंट्स की, तो ये कार्बन नंबर टू पे मिथाइल है, कार्बन नंबर फोर पे मिथाइल है, और कार्बन नंबर थ्री पे मिथाइल है, तो ये टू थ्री फोर ट्राई मिथाइल टू फोर हेक्सा डाइईन होगा। इसी तरह अगर तीन आ रहे हैं तो उसके हम तीन नंबर लगाएंगे, तो और साथ जो है वो ट्राइन लगा देंगे, तो ये जो था ये इसमें है सारा इसका नॉमेनक्लेचर। फर्दर जो है वो आप इसकी एग्जांपल्स और जो प्रैक्टिस है ये आप करेंगे, ताकि आप इसको आसानी से बाद में जो है वो सॉल्व कर सकें। अल्लाह हाफिज़।